चलिए बात अगली खबर की करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। और ये लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है, यानी पेट्रोल डीजल अब 2 रुपए सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। 2 रुपए की कटौती की गई है, और 2 रुपए की कटौती के बाद अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल अब 98.97 रुपए है, तो वहीं डीजल 94.72 रुपए है। रेट बढ़ने और घटने से लोगों में का बजट जो है उसका में जरूर असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपयों की कटौती से आम लोगों में भी राहत है। लोगों के मुताबिक पेट्रोल डीजल सस्ता होने से उनकी भी बचत होगी। तो अच्छा कराया उन्होंने, अगर घटा दिए तो वैसे बहुत अच्छा कराया। कुछ जेब पे कुछ हल्का पड़ेगा? हल्का पड़ेगा, बहुत हल्का पड़ेगा। देखिए उस तरफ भी कुछ लोगों ने तो बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कह रहे हैं? 2 रुपए घटा दिए पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी ने। अभी मैं पूछ रहा था इनसे कि पूरे दिल्ली में घटे हैं, यूपी या राजस्थान में भी घटे हैं, तो राजस्थान में भी घटे हैं, यहाँ भी घटे हैं, पूरे देश में घटे हैं, पूरे देश में घटे हैं। सरकारों के अपने वेट पर निर्भर करता है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, और केंद्र सरकार इतना बड़ा काम कर रही है, अगर पैसा कम हो रहा है तो जेब पे डेफिनेटली आदमी की फर्क पड़ेगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर अमित शाह, गडकरी से लेकर सीएम योगी तक ने ट्वीट कर आम लोगों के लिए राहत भरा फैसला बताया। तो वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर सवाल उठाए कि क्या मोदी सरकार ये दावा करेगी कि चुनाव बाद अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो वो कीमतें नहीं बढ़ाएगी। और राजस्थान सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल में 2-2% वैट घटाने का ऐलान भी कर दिया गया है। और राजस्थान सरकार का ये फैसला तब आया जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का ऐलान किया। उसके बाद अब राजस्थान में जो नए रेट है पेट्रोल और डीजल के वो क्या है, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। केंद्र के इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमत पर लग रहे वैट को कम करने का बड़ा ऐलान किया। सीएम भजनलाल शर्मा के इस ऐलान के बाद से राजस्थान के लोगों को डबल फायदा होगा, और राज्य के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ते होंगे। राजस्थान में अब 31.04% की जगह 29.04% वैट लगेगा। अलग अलग शहरों में पेट्रोल 1.40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 5.5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। डीजल के दाम में 1.34 रुपए प्रति लीटर से लेकर 4.85 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आएगी। सीएम शर्मा की ओर से कहा गया कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण राज्य के अलग अलग शहरों में भिन्न दाम थे, अब इस कमी को दूर कर लिया गया है। और वैट की दर में 2% हमने कमी की है। हमारा ये जो विसंगति, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा डीजल हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में मिलता था। जयपुर में पेट्रोल का दाम 108.83 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 94.04 रुपए में मिल रहा है। अजमेर में पेट्रोल 108.11 रुपए और डीजल 93.38 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। उदयपुर में पेट्रोल का दाम 109.27 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 94.44 रुपए में मिल रहा है। सीकर में पेट्रोल 108.75 रुपए और डीजल 93.97 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। हनुमानगढ़ में पेट्रोल का दाम 111.74 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 96.67 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए जाने से राजस्थान सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार आ जाएगा।